हेलो एवरीवन, ये है ऑटो कैड क्लास 3। आज हम सीखेंगे इस ड्राइंग को बनाना। तो सबसे पहले जो आपका एक रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। इसकी टोटल लेंथ है आपका 240 और विड्थ है आपकी जो हाइट है ये है 160। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसको हम रेक्टेंगल कमांड से ही बना सकते हैं और लाइन से ही बना सकते हैं। मैं लाइन से बनाऊंगा फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा लाइन कमांड के बाद, ये है आपका 240 एंटर। अब देखिए, मैं दोबारा से नॉर्मल कर्सर पे चला जाता हूँ, लेकिन ये जो स्क्रीन है, आउट ऑफ आपका स्क्रीन चली गई है, तो मैं इसको स्क्रॉल से जूम आउट जूम इन कर सकता हूँ और इसको फिर सेंटर में लाके ऐसे रख सकता हूँ। पेन से स्क्रॉल को अगर प्रेस करेंगे तो ये पेन काम करेगा, ठीक है। लाइन कमांड जो आपकी नीचे की तरफ ये हाइट है, ये है आपकी 160 एंटर, फिर आपका एंटर और फिर ये आपका रेक्टेंगल हो। अब मेरे को ये सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 60, क्योंकि यहाँ डाया दिया हुआ है 120। तो मैं लाइन खींचूंगा, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ ये, इसके एक डायगनल से मेरे को सेंटर पॉइंट मिल सके। टी एंटर, ये आपका ग्रीन ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से मैं ड्रैग करते हुए 60 रेडियस डाल दूंगा। अगर ये जो आपका ऑटो स्नैपिंग है, जैसे मैं लाइन कोई भी कमांड यूज करता हूँ तो कॉर्नर्स, मिड पॉइंट, ये सब ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है, स्नैप कर लेता है, तो उसके लिए F3 बटन और आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक सर्कल बाहर एक निकला हुआ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 20 का एक ऑफसेट मारता हूँ रेफरेंस लाइन के लिए, तो ओ एंटर 20 एंटर, तो इस लाइन पे क्लिक करके ऊपर की ओर क्लिक कर देता हूँ। फिर देख सकते हो आप यहाँ पे 70 का एक ऑफसेट मारता हूँ, ये रेफरेंस, ये पॉइंट चाहिए मेरे को, ये पॉइंट चाहिए, तो 70 मैं ऑफसेट लेता हूँ, एंटर 70, और मैं इसका ऑफसेट मारता हूँ। अब देखिए हमें 3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम इसको सर्कल से या कर्व से बना सकते हैं। अगर सर्कल से बनाना है तो सी एंटर, डाउन की प्रेस करोगे और 3P, यानी 3 पॉइंट को लेके सर्कल बनेगा। तो 3P पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट इसका सेंटर है, और थर्ड पॉइंट आपका ये है। अब मैं टी आर एंटर, फिर एंटर, और ये मैं डाल दूंगा, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको इरेज कर देते हैं, और जो ट्रिम करना है उसको ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसको मिरर कर देते हैं, पहले ये लाइन इरेज कर देते हैं, इस चीज को हम मिरर कर देते हैं यहाँ पे। तो मिरर का मतलब क्या है आपका, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मुझे यहाँ पे बनाना है। तो मिरर हम जब यहाँ पे रखेंगे तभी इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, तो ये मिरर प्लेन हो गया, हमें प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मिरर के लिए MI कमांड, MI एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर, फिर आप देखिए मैं ये प्लेन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंटर, और टी आर डबल एंटर, तो आप तो ट्रिम कर सकते हैं। सेम एज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे जो आपका देख सकते हो इसकी जो हाइट है वो है 20, और जो ऑफसेट 50 50 का, ये 50 का, ये पॉइंट लाने के लिए 50, और ये पॉइंट 50, और ये 20, ऑफसेट 20 और ऑफसेट 50। बनाने के काफी तरीके हो सकते हैं किसी भी ड्रॉइंग को। तो यहाँ पे मैं सर्कल एंटर, डाउन की 3P, 1P ये रहा आपका, 1P ये रहा, और 1P ये रहा, ठीक है। फिर टी आर एंटर, और मैं इसको रेज कर देता हूँ, और जो भी चीजें एक्स्ट्रा है उनको हमें रेज कर, और जो ट्रिम करना है वो ट्रिम कर, ठीक है। अब इसको भी मिरर, MI मिरर, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, और इसका प्लेन ये होगा हमारा, और टी आर डबल एंटर, और ये ट्रिम, ठीक है। इसी तरह जो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो है आपके ये भी हम एक बनाएंगे, दूसरे को मिरर कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसकी जो विड्थ है वो 30 है, और यहाँ पे 15 का गैप है, और ये भी 15 का है, ये है आपका 30, ये है आपका 15 का, ये भी 15 का गैप है, ये भी 15 का, ये भी 15 का। तो मैं लाइनों को ऑफसेट करूंगा और इस तरह का एक रेक्टेंगल बना के यहाँ पे मैं एजेस को फिलेट कर दूंगा। फिलेट का रेडियस नहीं दिए तो एज्यूम करके हम इसको कर लेंगे। तो कैसे, ओ एंटर, 15 का ऑफसेट के लिए 15 एंटर, इसको ऑफसेट किया, इसको ऑफसेट किया, इसको ऑफसेट किया, इसको ऑफसेट किया, और जो उसकी विड्थ है वो 30 है, तो ऑफसेट 30 का लेना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
इन लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, तो एक्सटेंड ये हो गया, ठीक है। अब ऑफसेट 30, क्योंकि इसकी विड्थ 30 है, तो देखो हमें एक रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है, ज्वाइन हुआ ज्वाइन। अब जो भी चीज ट्रिम करनी हो ट्रिम कर दी, और जो इरेज करनी है आपको इरेज। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर है इनको फिलेट करना है, यहाँ पे राउंड शेप बनानी है, तो एफ एंटर, डाउन की रेडियस मैं ले लेता हूँ 10, और ये हो गया। दोबारा एंटर किया तो वही कमांड आपका रिपीट हो जाएगा, तो सेम ऐसे, ठीक है। इसको जो जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये बन गया। अब इसको हम कर देते हैं मिरर, MI मिरर, और इसको हम सिलेक्ट एंटर, और इसका जो प्लान होगा प्लेन होगा मिरर का, वो ठीक है, ये बन गया आपका, ये हो गया। अब डायमेंशंस को मेजर कर लेते हैं, ये आपका यहाँ पे ये 100 बताया गया है, 100 आ रहा है, ये आपका 70, ठीक है, ये आपका है आपका ये 60, और ये है आपका 50, और आप रेडियस अगर देखना चाहते हो ये रेडियस है, और लीनियर डायमेंशंस के लिए यहाँ पे आप ये विड्थ 30 थी आप, ये 30 है, और आपका ये है आपका 70 था, तो सॉरी ये कितना था आपका 130, तो 130 है। और कौन सी डायमेंशन रह गई आपकी, एक ये डायमेंशंस रह गई आप, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये 20 था आपका, और आपका ये भी 20 था, ये और ये। अब तो सारी डायमेंशंस आ गई हैं, तो इस तरीके से आप थ्री डी ड्राइंग बड़े फास्ट तरीके से बना सकते हो। तो ये क्लास 3 थी। अगर आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू।